ये फ्रेंड राधे राधे, कैसे हो सब लोग? तो ज़रूर बताना तुम मेरा। मैं शक्ल देख रही हूँ अपना, क्योंकि बहुत सारा काम करके मैं अपना मोबाइल उठाई हूँ आप थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो तो आजकल मेरी शूट होती है नहीं। तो मैंने सोचा चलो छोटे से वीडियो मिनी ब्लॉग शूट किया जाए। तो परी हमारी स्नान करने जा रही है, आर्यन स्नान करके आ गया है और पूजा हो रहा है। आज हमारे घर में पूरी डीप क्लीनिंग हुई है फ्रेंड, क्योंकि बारिश स्टार्ट होने से पहले पूरी घर की अच्छे से सफाई हो जाए। तो ये वाला पूरा पार्ट एरिया सब पूरे ऊपर का झोल वगैरह साफ हो गया है। यहाँ पे जो मैं हाथ रख रही हूँ ना, क्योंकि वहां मैं दिखाना नहीं चाह रही थी आप लोगों को, क्योंकि वहां पर मेरी दवाइयां रखी हुई है थी ढेर सारी, तो वो सब वीडियो में दिखाना नहीं चाहती थी मैं। और आर्यन का पूजा हो रहा है और किचन में हो रहा है पेट पूजी की तैयारी, तो काम के साथ साथ खाना तो चाहिए ही चाहिए। तो आज बन रहा है हमारे घर में खिचड़ी, तो खिचड़ी बन रहा है, आलू का चोखा बन रहा है, टमाटर और मटर का चोखा बन रहा है। और उसके बाद पहले तो हमने आम उबाला था, आम पन्ना बनाना है शाम में, तो आम पन्ना तो मैंने पहले आम उबाल के रखा है। उसके बाद ये अंकुरित चना है, बॉटल धुल के रख दिया है, क्योंकि बॉटल धुलने साफ करने के बाद पानी भर के भी रखना होता है। थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्च पीस रही हूँ, लाल मिर्च घर का यूज करो तो सही रहता है, बाहर का ना कलर मिला के वो दे देते हैं। और आज मैं बना रही हूँ पतीले में खिचड़ी, पांडे जी ने कहा पतीले में खिचड़ी बना लो। और आप लोगों के कहने पे ही मैंने जितने भी अल्मोनियम के बर्तन थे मैंने सबको टाटा बाय बाय कर दिए हैं। और ये देखो यहाँ बन गया हमारा चोखा। तो आज मेरा चोखा ना कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ खास बना है, क्योंकि हमने थोड़ा कम ही भुना है। थक जाने के बाद ना उतना बहुत अच्छे से खाना आप नहीं बना पाओगे, बस सिंपल खाना खिचड़ी चोखा बना है। और ऊपर से ऐसे तो पापड़ भी था, दही भी थे, अचार भी थे, सिंपल तो रहा नहीं, तो बहुत सारी वैरायटी मिल गया। उसके बाद हम लोग आ गए फ्रेंड मॉल घूमने, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल रहे। परी ने कहा मम्मा एक बार हमें घुमा दो फिर स्कूल खुल जाएगा, फिर मुझे भी कुछ रबड़ वगैरह लेना था इसके। और एक हमने पांडे जी को जूता दिलवाया, इनके जूता इतने बुरे कंडीशन में हो गए फ्रेंड, फिर भी ये सबको सब कुछ दिलाएंगे लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं ये। तो मैंने जोर जबरदस्ती इनको एक शूज दिलवाए हैं और यहाँ बच्चे कर रहे हैं थोड़े बहुत मस्ती, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे घर। तो कहाँ जाना है, बस बगल में ही, कहीं दूर नहीं जाते हैं बच्चे। पूरा दिन बच्चे के साथ भी यही होता है, खेलना कूदना पढ़ना लिखना, तो कहीं नहीं जाना होता है, बस इनको मॉल ले आओ, मॉल में बच्चे थोड़े बहुत घूम फिर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, थोड़े बहुत एक आध सामान खरीद लेते हैं, फिर घर वही पढ़ना लिखना। तो चलिए, हमारी वीडियो अच्छा लगे तो